Hi, love you. This is Kunal, and you all are welcome on my channel, Learn Beyond. We are in the motion to cover RBI, either it is RBI establishment, function, subsidiary of Reserve Bank of India, or last class we have discussed about monetary policy of Reserve Bank of India. So today we are going to cover RBI and within RBI, printing of currency. तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी क्या होती है ये आपको जानना पड़ेगा. प्रिंट आरबीआई कैसे कर सकती है, कितने नोट्स का वो प्रिंटिंग कर सकती है, क्या फैसिलिटी आरबीआई के पास है, आरबीआई के प्रिंटिंग से लेके बैंकों तक पहुंचाने की जो चैनल है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी उसकी हम बात करेंगे. ये प्रिंटिंग कहाँ कहाँ पर होती है दैट इज इंपॉर्टेंट. बैंक नोट क्या है उसकी हम बात करेंगे, करेंसी नोट क्या है उसकी हम बात करेंगे, वाई वन रुपीज नॉट डू नॉट साइन बाय गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी हम बात करेंगे, क्वाइंस की जो मिंटिंग होती है जो प्रिंटिंग होती है वो कहाँ कहाँ होती है. तो सारे मुख्य जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं है ना प्रिंटिंग से रिलेटेड बेसिकली, क्योंकि हमारी पूरी कंसंट्रेशन आज के क्लास में आपके प्रिंटिंग ऑफ करेंसी दैट इज कॉल्ड INR पे है. INR का पहले तो आप फुल फॉर्म जान लें दैट इज कॉल्ड इंडियन नेशनल रूपी है ना. तो INR इज इंडियन रूपी. इस रूपी की शुरुआत RBI के द्वारा है उसकी हम बात करते हैं. तो चले पहले तो आप टॉपिक से रूबरू हो जाए. रूबरू क्या है तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है ना. प्रिंटिंग ऑफ करेंसी छोड़ दें, अभी हम INR की बात करते हैं. INR मींस इंडियन नेशनल रुपीस. देखिए पहले समझ लें उसके बाद हम लिखेंगे बोर्ड पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है. इंडियन नेशनल रुपी का प्रिंटिंग होल एंड सोल अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है सिंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established in 1935. लेकिन क्या 1935 से पहले भारत में पैसे नहीं थे या प्रिंटिंग नहीं होता था? तो यस होता था, बट आरबीआई चूंकि नहीं थी, आरबीआई का चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं हुआ था, तो आरबीआई से पहले इंपीरियल बैंक उसके ऊपर सुपरविजन करती थी, बट आरबीआई के आने के बाद आरबीआई ही आपके प्रिंटिंग को देखती है. अभी यहां पर हमने जब आरबीआई की बात की थी तो आपसे हमने एक एक्ट बोला था और उस एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना. आरबीआई इस बी को आप दरकिनार कर देते हैं. आरबीआई एक्ट 1934. इस आरबीआई एक्ट के 1934 के अंदर दो सेक्शन हैं, जिस दो सेक्शन की बात आपको याद होनी चाहिए. एक सेक्शन नंबर 22 और दूसरा सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन 1. तो दोनों सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जब हम आपके आरबीआई एक्ट को अलग करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से तो और भी सारे सेक्शन आपको देखना है, बट आज के क्लास में इस दो सेक्शन को आप जरूर याद रखें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 22 के अधीन आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके प्रिंटिंग से लेके है ना प्रिंटिंग ऑफ INR से लेके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब बैंकों तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा दिया है. तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग. कौन सा सेक्शन में है साहब? तो अंडर सेक्शन 22. और एक्ट कौन सा है, क्या वो आरबीआई एक्ट 934 है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. सारे करेंसी का प्रिंटिंग आरबीआई ही करेगी एक्सेप्ट वन रुपीज नोट, एक रुपए के नोट को छोड़ के. और इस एक रुपए का प्रिंट आरबीआई नहीं करेगी. इट कम्स अंडर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन 1 है ना. तो हो सकता है आप एग्जाम से पूछा जाए कि वन रुपीज नोट डू नॉट प्रिंट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू टिक मार्क ऑन आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन नंबर 1. क्लियर? तो यहां तक आप समझ गए हैं. अभी बात आती है कि आरबीआई वन रुपीज का प्रिंटिंग क्यों नहीं करती है. क्लियर? तो पहले तो आप जान लें कि वन रुपीज नोट को हम कौन कौन से अलग नाम से हम जानेंगे. दिस इज कॉल्ड, पहली बात, यूनिट ऑफ करेंसी है ना. यूनिट ऑफ करेंसी है, या इसे आप बेस भी मान के चल सकते हैं. बेस ऑफ करेंसी है. इसे आप क्वाइंस के रूप में भी लेके चल सकते हैं. हालांकि वन रुपीज नोट नोट है बट लीगल टेंडर है, और लीगल टेंडर को हम बोलते हैं कि वैसा पैसा जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है, सही तरीके से निकाला गया है. दैट इज नॉट ए फेक करेंसी.
दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर, है ना। लीगल टेंडर है, क्वाइंस भी आप बोल सकते हैं, बेस ऑफ करेंसी है, यूनिट ऑफ करेंसी है, फिएट मनी है, या फिर टोकन मनी के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। इतनी बात आपको 1 रुपीस नोट के अंदर हमने बता दी है। ऑल नोट्स, जो आपका पत्ते वाला नोट है, है ना, जो आपके कागज वाले नोट हैं, ऑल नोट्स आर कंसिडर्ड एज बैंक नोट। 2 रुपये हो या आपके 2000 रुपये हो, उसको हम जिस नाम से जानते हो क्या है, तो बैंक नोट है। बट 1 रुपीस नोट क्या है, तो आपका बेस ऑफ करेंसी है एंड इट्स करेंसी नोट, करेंसी नोट। तो आपने कम से कम करेंसी नोट और बैंक नोट में अंदर समझ लिया है। करेंसी नोट हमारा सिर्फ 1 रुपीस नोट है, और एक्सेप्ट 1 रुपीस नोट ऑल अदर डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी इज नोन एज बैंक नोट। ऑल बैंक नोट ड्यूली साइन बाय गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपीस नोट। ये जो 1 रुपीस का नोट है, ये कौन साइन करता है, तो दिस 1 रुपीस नोट साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। हमेशा याद रखना है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ही आपके 1 रुपीस के नोट को साइन करेंगे, ओनली, नॉट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के डेट में जो आपकी फाइनेंस सेक्रेटरी है, जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएं, तो अपडेट थोड़ा सा कर लें, क्योंकि हो सकता है चेंज हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एट प्रेजेंट द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज राजीव कुमार। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, तो ये साहब IAS हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। क्या करेंगे, तो 1 रुपीस के नोट पे साइन करेंगे। तो देखिए, 1 रुपीस नोट क्या है, तो बेस चुकी करेंसी की है, और जब भी वॉर या प्रोक्लेमेशन आएगा तो एक्सचेंजेबल है, है ना। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है क्वाइनेज एक्ट। क्वाइनेज एक्ट कब आया है, तो 1940 में ही आया है, बट उसकी अवधारणा जो हमने फिर से अमेंड कर दिया है, वो 2011 की है। तो क्वाइनेज एक्ट में आपका प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और किसी भी करेंसी, आप अपनी जेब से या वॉलेट से किसी भी करेंसी को निकालिएगा, तो उसमें लिखा रहता है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। तो प्रोमिस किया जा रहा है, करेक्ट, चाहे वो 2 रुपये का नोट हो, 10 आपका 1000 रुपये का नोट तो नहीं है अभी प्रचलन में, 2000 रुपये का नोट, किसी भी टाइप का लीगल टेंडर पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो आई प्रोमिस टू पे, है ना, द बियरर ऑफ सम सो एंड सो। कहाँ से आया ये अवधारणा, तो क्वाइनेज एक्ट से आया। क्वाइनेज एक्ट कब की है, 1940 की थी, और हमने 2011 उसका अमेंडमेंट रूप देखा है। बट 1 रुपीज नोट पे आई प्रोमिस टू पे द बियरर सम ऑफ रुपीज 1, ये लिखा हुआ नहीं होता है। द रीजन बिहाइंड, चूंकि RBI प्रिंट नहीं करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होल एंड सोल अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपीज नोट। इस कारण से गवर्नमेंट का ये दायित्व तो होता है कि डायरेक्ट आपके, हम आपको क्या कर रहे हैं, तो 1 रुपीज नोट दे रहे हैं, नॉट थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस कारण से वहां पे प्रोमिसरी का नाम लिखा हुआ नहीं होता है, प्रॉमिस का नाम लिखा हुआ नहीं होता है। क्लियर? तो इतनी बात संभवतः आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं बता दूं क्या क्या हमने बताया अभी तक। अभी जो हम बताने वाले हैं वो और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बट अभी तक हमने क्या बताया, हमने बताया प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की बात, हमने बताया इस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी में RBI के एक्ट 1934 की बात की, और उसमें 2 सेक्शन की हमने बात की। 22 के अंदर RBI क्या करती है, तो पैसे का प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन का तक का काम करेगी। 24A में RBI 1 रुपीज के नोट को प्रिंट नहीं कर सकती है। 1 रुपीज नोट को और जिस नाम से हम जानते हैं, दैट इज बेस ऑफ करेंसी, दैट इज व्हाट, दैट इज करेंसी नोट ऑल्सो बेस ऑफ करेंसी है, यूनिट ऑफ करेंसी है, फिएट मनी है, लीगल टेंडर है, टोकन मनी है, ये सारी बात 1 रुपीज के नोट पे हमने बताई। और ये भी बताया कि 1 रुपीज नोट पे जिस व्यक्ति का साइन होगा वो फाइनेंस सेक्रेटरी ही होगा, और आज के डेट में जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इज राजीव कुमार। क्लियर? अभी हम आगे चलते हैं और ये बात करते हैं कि RBI जो पैसे प्रिंट करती है, जो लीगल टेंडर वो प्रिंटिंग करती है, वो कहाँ कहाँ से प्रिंटिंग होता है। तो 2 बातें यहाँ पे आप जानें कि RBI 2 टाइप के करेंसियों का प्रिंट करती है। 1 इज कॉल्ड नोट, जो हमने अभी बताया है कि बैंक नोट है, जो आपके कागज के टुकड़े वाले नोट हैं वो आपकी बैंक नोट है, तो बैंक नोट का प्रिंटिंग करेगी। और
क्वाइंस का प्रिंटिंग करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पे, वो भी आप जान लें कि क्वाइंस का प्रिंटिंग आरबीआई का रोल नहीं है। क्लियर। वन रुपीज नोट जब हम लिख रहे थे तो वहां पे हमने क्वाइन लिखा था कि वन रुपीज नोट को हम क्वाइंस के रूप में भी कंसिडर करते हैं। तो आप जान लें कि क्वाइंस, ऑल क्वाइंस एंड वन रुपीज नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारे पास वो पहुंचता है। क्लियर। बट अदर देन वन रुपीज नोट एंड क्वाइंस, जितने भी लीगल टेंडर हैं उसे हम बैंक नोट के नाम से जानते हैं। और ये बैंक नोट कहाँ कहाँ प्रिंट होता है, वो चार जगहों पर प्रिंटिंग होती है और चार प्लेसेस का नाम आप जान लें। पहला प्लेस है आपकी नासिक। नासिक कहाँ है साहब? तो नासिक इज इन महाराष्ट्र। दूसरा जो है वो है देवास। देवास कहाँ पे है? तो देवास इज इन MP। क्लियर। जो तीसरा है वो है आपका सालबोनी। सालबोनी। और चौथा जो है, सालबोनी कहाँ पे है? तो बंगाल। और चौथा जो है, जो फोर्थ है आपका, दैट इज मैसूर। एंड दिस मैसूर इन इन कर्नाटका। तो ये फोर वो प्लेसेस हैं जहां पे बैंक नोट की हम प्रिंटिंग करते हैं। यहां पे दो और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो चार आपके प्रिंटिंग क्या है, तो प्लेसेस हैं, वो किसके अधीन है? तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, SPMCIL नाम जरूर याद रखिएगा फुल फॉर्म के साथ, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से बोलता हूं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हवाले दो आपके प्रिंटिंग प्रेस हैं, एक नासिक के और दूसरा देवास के। एंड अदर देन दीज टू प्रिंटिंग प्रेस, ये जो दो प्रिंटिंग प्रेस हैं, ये हमने आरबीआई के सब्सिडरी में भी आपको बताया था, इट कम्स अंडर BRBNMPL, दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने क्या बताया कि नोट, जो बैंक नोट है उसकी प्रिंटिंग चार जगहों पे होती है। पहला है आपका नासिक और दूसरा देवास। ये दोनों आपके SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हवाले हैं। और दो जो हैं, दैट इज वन इज सालबोनी एंड सेकंड इज इन मैसूर, ये BRBNMPL के अंदर है। BRBNMPL का फुल फॉर्म मैंने बताया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। और भी चार प्लेसेस का नाम बताता हूं जहां पे हम क्वाइंस का प्रिंटिंग करते हैं। ये आप पेन डाउन कर लें कि यहां पे बैंक नोट का प्रिंटिंग होगा। यहां पे क्वाइंस की प्रिंटिंग की हम बात करते हैं कि क्वाइन की प्रिंटिंग कहां कहां पे होती है। तो इन चार जगहों पे क्वाइंस का प्रिंटिंग नहीं होता है। जो क्वाइंस है या फिर प्रतिभूति है वो अलग अलग जगहों पर छपती है। वो कौन कौन से हैं आपके? तो यहां पर लिखते हैं क्वाइंस, क्वाइंस मिंटिंग। ये कहां कहां पे हैं? तो ये भी कितने प्लेसेस पे हैं? ये तो ये भी चार प्लेसेस पे हैं। पहला है मुंबई, टकसाल है मुंबई। दूसरा कहां? मुंबई कहां? महाराष्ट्र में। दूसरा कहां? तो आपका हैदराबाद। क्लियर। तीसरा कहां है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पे है? तो नोएडा। और फोर्थ कहां पे है? तो कलकत्ता। तो इन चार प्लेसेस पे आपके क्वाइंस के प्रिंटिंग होते हैं। पहला हमने बताया मुंबई, दूसरा हमने बताया कौन सा, तो आपके जो कोलकाता शहर है बंगाल में, कोलकाता। जो थर्ड है वो आपके कहाँ पे है? तो हैदराबाद। एंड फोर्थ इज इन नोएडा। तो इन चार जगहों पे हम क्वाइंस का प्रिंटिंग करते हैं। अभी ये बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के पास प्रिंटिंग मशीन है। क्या आरबीआई बहुत सारे प्रिंटिंग कर सकती है, कितने भी प्रिंट कर सकती है? तो आंसर इज नो। अगर ऐसा होगा तो फिर इकोनॉमी चलेगी नहीं, जिसकी बात ऑलरेडी हमने मॉनेटरी पॉलिसी में आपके साथ जिक्र कर ली है। तो यहाँ पे आप जाने, जो क्वाइंस का प्रिंटिंग होता है या फिर करेंसी का प्रिंटिंग होता है वो एक दायरे में ही रह के किया जाता है। और इंडिया में जिन दायरों को फॉलो किया जाता है वो लगभग पाँच दायरे हैं। पाँच में से एक ही जो सिस्टम है वो जनरली हम फॉलो करते हैं। बट फिर भी आपको जानना पड़ेगा कि जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है वो कौन कौन से सिस्टम पर काम करती है। तो आप जाने, यहाँ पे पहले सिस्टम की हम बात करते हैं जो जनरली हम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड MRS। द फुल फॉर्म ऑफ MRS इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
बाद में हम बात करें क्या है एमआरएस। दूसरा जो है ना, क्योंकि पांच ऐसे सिस्टम हैं जिनको फॉलो किया जाता है आपके इंडिया में करेंसी को प्रिंट करने के लिए। इसमें बहुत सारे एबॉलिश भी हो चुके हैं, बट फिर भी इन पांच चीज़ों पे आप ध्यान रहें। और जनरली जो हम फॉलो करते हैं प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के लिए, दैट इज़ एमआरएस। बट एमआरएस के अपार्ट में चार और भी पॉइंट मैं आप बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है फुल रिजर्व, दूसरा है फुल रिजर्व सिस्टम। क्लियर, फुल रिजर्व सिस्टम। तो एमआरएस आप जान गए, फुल रिजर्व सिस्टम आप जान गए, थर्ड आप जान रहे दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, तो तीन हो गए। फोर्थ भी आप जानने क्या है, तो दैट इज मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम। तो मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम, क्लियर। और एक तो और जानना पड़ेगा क्योंकि पांच है, पांचवा क्या है, तो फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम। तो ये पांच ऐसे सिस्टम हैं जिसके आधार पे भारत में पैसों का प्रिंटिंग हम करते हैं। इस पांच में से सिर्फ चार को तो आप दरकिनार कर दें क्योंकि संभवतः इसकी यूज नहीं पड़ती है, बट इन टर्म्स ऑफ बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो हम समटाइम्स एक दो का यूज करते हैं। बट आपसे अगर पूछे कि कौन सी वो सिस्टम है जिस सिस्टम के आधार पर इंडिया में हम पैसों का प्रिंट करते हैं, तो आप सबसे पहले जो टिक मार्क करेंगे वो एमआरएस सिस्टम पे करेंगे। एंड द फुल फॉर्म ऑफ एमआरएस इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो वन बाई वन करके हम बताते हैं कि एमआरएस क्या है। देखिए एमआरएस सिस्टम क्या है, तो आरबीआई कहती है कि हमारे पास मिनिमम जो लिक्विडिटी होनी चाहिए वो 200 करोड़ के होने चाहिए। क्लियर, तो एमआरएस 200 करोड़ कहता है मेरे पास होगा। इस 200 करोड़ में कम से कम 115 करोड़ के क्या होने चाहिए, गोल्ड होने चाहिए, और 85 करोड़ के क्या होने चाहिए, तो आपके फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए। तो 200 करोड़ हो गए, इससे ऊपर की करेंसी हम रिजर्व रखेंगे और प्रिंटिंग हम करेंगे। जब भी आरबीआई मान लीजिए 100 रुपए को प्रिंट किया, तो आरबीआई क्या करती है, 100 रुपए के वैल्यू के इक्विवेलेंट गोल्ड अपने पास रिजर्व कर लेती है, फिर वो प्रिंटिंग का काम करती है। है तो मार्केट में क्या होगा, तो स्टेबिलिटी बनी रहे। तो आरबीआई जितना रिजर्व रखेगी अपने पास, उस रिजर्व के वैल्यू का वो प्रिंटिंग कर सकती है। दिस इज व्हाट रिजर्व सिस्टम। क्लियर, मान लीजिए 10,000 की प्रिंटिंग उसे करनी है, तो 10,000 का पहले गोल्ड अपने पास वो रिजर्व कर लेगी, है ना। तो 10,000 का वैल्यू का गोल्ड रिजर्व कर लिया, फिर 10,000 की प्रिंटिंग उसने इशू कर दिया। तो इस टाइप का प्रिंटिंग आपका इंडियन मार्केट में चलता है। ये जो एमआरएस सिस्टम है वो कौन से ईयर में आपके इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, तो वो भी आप जान लें कि इन द ईयर 1957 से एमआरएस सिस्टम आपके लिए काम कर रही है, जिसमें 200 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए। इस 200 करोड़ में कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, एंड 85 करोड़ जो बच गए वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में दिखने चाहिए। दूसरा है फुल रिजर्व सिस्टम, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की है कि पूरा गोल्ड हम अपने पास रखेंगे उस वैल्यू का, उसके बाद हम पैसों का प्रिंट करेंगे। तो 100% गोल्ड का रिजर्व रख के पैसे प्रिंट करना इज कॉल्ड फुल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल क्या है कि चलो भाई हमें क्या करना है, तो हमें 100 रुपये प्रिंट करने हैं, तो 100 रुपये प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, तो 60% गोल्ड रिजर्व कर लेंगे और 40% क्या करेंगे हम, तो सिल्वर रिजर्व कर लेंगे। तो प्रोपोर्शनल में एक अनुपात में हमने रिजर्व रख लिया और उसके बिहाफ पे हमने लिक्विडिटी इशू कर दी, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल बेसिस। मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम भी आप जान लें कि एक अथॉरिटी को राइट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अधीन कुछ बनाया है रूल और रेगुलेशन, अथॉरिटी को ये राइट है कि आप एक बेंचमार्क फिक्स कर दें ताकि उस बेंचमार्क के अंदर हम पैसे फिक्स कर सकते। अथॉरिटी जब पैसे को प्रिंट करने का आदेश देगी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम। और अंत में आरबीआई अंडर लॉ, आरबीआई इज बाइंड टू लॉ, आरबीआई जब लॉ के अधीन कहती है कि हमें ये पैसे प्रिंट करने हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम। बट ये चार आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द कंसेप्ट ऑफ ऑल सिस्टम जिसके बिहाफ पे हम करेंसी को प्रिंट करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमआरएस को भूलने का नहीं। यहां पे दो बातें मैं फटाफट आपके साथ जिक्र कर दूं। वन इज मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी विच आरबीआई कैन प्रिंट इज ₹10,000। आरबीआई को पहले ही ये क्या तो परमिशन मिल चुका है कि मैक्सिमम जो पैसे का प्रिंट करेगी वो 10,000 तक कर सकती है, बट एट प्रेजेंट ₹10,000 नोट इज नॉट ए लीगल टेंडर और ये प्रिंटिंग नहीं होता है, बट आरबीआई कैन प्रिंट।
एंड द मिनिमम लीगल टेंडर जो आरबीआई प्रिंट करती है, और यहीं पे हम गलती करते हैं, दैट इज 2 रुपीज नोट, क्योंकि 1 रुपये नोट तो आरबीआई प्रिंट करेगी ही नहीं। तो आपके ऑप्शन में जब भी आए कि मिनिमम लीगल टेंडर जो आरबीआई के द्वारा प्रिंट किया जाता है, तो आंसर वुड बी 2 रुपीज। मैक्सिमम जो प्रिंट किया जा सकता है, दैट इज 10,000 रुपीज, जो आज के डेट में मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी इंडियन मार्केट में चल रहे हैं, दैट इज 2,000 रुपीज। क्लियर? तो इतनी बात मैंने आपके साथ की है। क्वाइनेज एक्ट की हमने बात की, 2011 में आया, किस सिस्टम के आधार पर हम पैसे को प्रिंट करते हैं इसकी बात हमने की, कहां कहां पर प्रिंटिंग होता है इसकी बात हमने की, एसपीएम सीआईएल क्या है, बीआरबी एनएमपीएल क्या है, इसके अधीन कौन कौन से प्रिंटिंग प्रेस हैं इसकी बात हमने की, करेंसी मनी और बैंक करेंसी नोट और बैंक नोट में अंतर क्या है उसकी बात हमने की, राजीव कुमार इज फाइनेंस सेक्रेटरी जो 1 रुपीज के नोट पर साइन करेंगे इसकी बात हमने आपके साथ की है। तो आई होप इतनी बात अगर आप जानते हैं, तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप संभवतः छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर? तो आपके इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम इतनी ही बात आपके प्रिंटिंग ऑफ नोट्स के साथ रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे तो इससे आगे की भी बात हम करेंगे। पहले आप इस वीडियो को सही ढंग से देखें, रिवाइज करते रहें और फ्रेंड तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बैठेंगे तो दूसरे भी ये वीडियो को अगर देख के बैठेंगे, सो दैट यू विल बी डिस्कस विद देम कि सर ने ये पढ़ाया, सर ने ऐसा पढ़ाया, सर ने इस फैक्ट पर बातें की है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।